गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 16 रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे रहीम दास जी के जीवन परिचय के बारे में कि रहीम दास जी कौन थे। ठीक है, रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, और उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। बचपन से ही जो रहीम दास जी थे वो साहित्य प्रेमी और कैसे थे, बुद्धिमान थे। ठीक है, और जो रहीम का जो व्यक्तित्व था बहुत प्रभावशाली था, लेकिन क्या था, वे मुसलमान थे। किंतु मुसलमान होते हुए भी उनका जो ध्यान था वह किस में था, कृष्ण भक्ति में था। अर्थात मुसलमान होते हुए भी वो कृष्ण भक्त थे। ठीक है, और स्वयं को उन्होंने रहीमन कहकर संबोधित किया है, क्योंकि आप उनके दोहों में पढ़ोगे तो रहीमन धागा प्रेम का। ठीक है, तो रहीम दास जी ने अपने आप को यहाँ पर क्या कहा है, रहीमन कहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम रहीम दास जी के दोहों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, रहीम दास जी ने जीवन के लिए उपयोगी अनेक छोटी छोटी शिक्षाएं दोहों के माध्यम से दी हैं। प्रस्तुत है उनके कुछ दोहे। जो रहीम दास जी के दोहे हैं उनमें क्या है, हमें शिक्षा देने वाले दोहे हैं, छोटी छोटी शिक्षाएं मिलती हैं उनके इन दोहों से। तो अब इन दोहों में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं, हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घट्यो जे भ्रगुमारी लात। यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं, क्षमा बड़न को चाहिए कि जो व्यक्ति बड़े होते हैं उनको क्षमा कर देना ही चाहिए, छोटन को उत्पात, और जो छोटे बच्चे होते हैं, उत्पात कौन मचाता है, छोटे बच्चे बताते हैं। यदि छोटे बच्चे उत्पात मचाते हैं तो बड़े व्यक्ति जो हैं उनको, छोटे बच्चों को क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनका ये गुण होता है कि छोटों की गलती को इग्नोर कर देना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। कह रहीम हरि का घट्यो, आगे रहीम दास जी कहते हैं कि का, कह रहीम, रहीम दास जी कहते हैं हरि का घट्यो कि हरि का क्या घट गया, कब, जे भृगु मारी लात, जब भृगु ने प्रभु में लात मारी थी। इसके पीछे एक घटना है, एक भृगु ऋषि थे। ठीक है, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश का परीक्षा लेने के लिए कुछ सोचते हैं, और वो क्या करते हैं, भृगु जो रही हरि यानी कि जो विष्णु जी थे उनके वक्ष स्थल पर लात मारते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो विष्णु जी हैं वो मुस्कुरा कर रह जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा जी और जो महेश होते हैं वो थोड़ा बौखला जाते हैं और भृगु को पता चल जाता है इस चीज़ का। और लेकिन होता क्या है, बड़ा कौन था, विष्णु जी थे, लेकिन इस गलती को भी उन्होंने क्या किया, हल्का समझकर ले लिया, इसका उन्होंने कोई भी गुस्सा या कुछ चीज़ नहीं दिखाई। इसी प्रकार बड़े लोगों को हमेशा छोटे लोगों पर दया दिखानी चाहिए। अगला है, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जो गरीब पर हित करता है, कि जो व्यक्ति गरीब पर हित करता है वे लोग ही हमेशा बड़े कहलाते हैं, ऐसा कौन कह रहा है, रहीम दास जी कहते हैं। लेकिन ये बात सही है, बड़ा कौन होगा, जो गरीब लोगों की सहायता करेगा, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, यदि हम उनकी सहायता करते हैं तो हम उससे छोटे नहीं हो जाएंगे बल्कि बड़े ही कहलाएंगे। आगे कह रहे हैं, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग, और इसका एक सटीक उदाहरण भी है, जो कृष्ण भगवान और सुदामा की जो मित्रता थी वाकई में वह इस दोहे पर सटीक बैठती है, कि कृष्ण भगवान ने अपनी मित्रता का जो उनकी मित्रता थी इसको परस्पर रूप से उनको निभाया। किस प्रकार, सुदामा कैसे थे, गरीब ब्राह्मण थे, और जो कृष्ण भगवान थे वह बहुत बड़े राजा थे द्वारिका के, लेकिन फिर भी उन्होंने, जो सुदामा थे उनका बहुत अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार किया और उनके लिए जो कर सकते वो सारे काम करे। इसलिए हमेशा इंसान को ऐसा करना चाहिए कि जो भी गरीब लोग हैं उनके हित में हमेशा हमें काम करते रहना चाहिए। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए ना पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान।
तरवर फल नहीं, तरुवर यानी कि पेड़, फल नहीं खाता है, कि जो पेड़ है वह अपने फल कभी नहीं खाता है। सरवर पिए ना पान, और जो सरवर यानी कि जो तालाब है, जो समुद्र है, वह अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित, इसलिए वो लोग महान होते हैं। कौन से लोग होते हैं? संपत्ति सच्चाई सुजान, सुजान यानी कि जो सज्जन लोग हैं, वो कौन से, जो अपनी संपत्ति को दूसरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं, वो लोग ही सज्जन हैं, वो लोग ही महान हैं, वो लोग ही बड़े हैं। इसलिए हमें दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भलाई के लिए ही कार्य करने चाहिए, और जो हमारी संपत्ति है उसको हमें दूसरों को देना चाहिए। आपने देखा होगा आज के संदर्भ में, देखे जितने भी बड़े लोग होते हैं, सेठ है, साहूकार है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, कभी गरीबों को दान करता है, कभी उनके लिए भोज का आयोजन करवा रहा है, तो ऐसे कार्य वो करता रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे संपत्ति जो है कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, क्योंकि हमें गरीब लोगों की उससे दुआ मिलती है। इसलिए हमेशा हमें गरीब लोगों के हित के लिए कार्य करते रहना चाहिए। अगला दोहा है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं पानी राखिए, पानी से मतलब होता है, यहाँ पे पानी को तीन अर्थों में लिया गया है कि पानी के बिना सब सूना है, यदि पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा पानी के बिना कुछ है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हमेशा पानी को रखना चाहिए। अब यह पानी का पहला मतलब क्या है, पानी का पहला मतलब है व्यवहार अच्छा होना चाहिए इंसान का, कि हमेशा व्यक्ति का जो व्यवहार है वह कैसा होना चाहिए, सद्व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यदि मनुष्य का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, अपने पास उसको कोई भी नहीं रखना चाहेगा। दूसरा है मोती के संदर्भ में, ठीक है, मोती में यदि आभा नहीं होगी, उसमें चमक नहीं होगी, तो मोती का कोई भी औचित्य नहीं है, मोती की कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरा है चून यानी कि आटा, यदि आटा है हमारे पास लेकिन पानी नहीं है, तो क्या आटे के बिना पानी के बिना क्या आटा लगा सकते, कभी नहीं लगा सकते। और मानुष के संदर्भ में क्या है कि मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हमेशा मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, सद्व्यवहारिक होना चाहिए, उसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो उसको सब अपने पास रखना चाहेंगे, ठीक है बच्चों। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बनत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कह कसे, सो ही साचे मीत। आगे रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, यदि इंसान के पास संपत्ति है, उसके पास पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, तो उसके बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, लेकिन सो ही साचे मीत, लेकिन सच्चा मित्र कौन होगा, जो विपत्ति में उस व्यक्ति के काम आएगा। चाहे इंसान के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, यदि वह विपत्ति आने पर किसी की सहायता नहीं करता है, तो वो जो संपत्ति है उसके लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि होता यही है, यदि किसी के पास संपत्ति है तो बहुत सारे लोग उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन होगा, जो विपत्ति में काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें वैसे ही कार्य करने चाहिए, चाहे हमारे मित्र के सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। रूठे सजन मनाइए, जो रूठे सौ बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि रूठे सजन मनाइए, यदि हमारा कोई प्रिय कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको 100 बार भी मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए, रही मन फिर पोइए, कि रहीमदास जी कहते हैं टूटे मुक्ता हार, यदि कोई मोतियों की माला यदि टूट जाती है तो क्या हम उसको फेंक देते हैं, नहीं फेंकते, हम उस माला को वापस से पिरोते हैं। उसी प्रकार यदि कोई सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति हमसे रूठ गया है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं यार जाने दे उसको, हमें नहीं मनाना, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमारे अजीज होते हैं, इसलिए चाहे वो 100 बार क्यों ना रूठे, हमें उनको 100 बार ही मनाना है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, बिगिरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि फटे दूध को कितना भी मतलो, उससे माखन नहीं निकलेगा। फिर आगे कहते हैं बिगड़ी बात, उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ गई
तो चाहे तुम लाख प्रयास कर लो वह कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसलिए मनुष्य को करना चाहिए कि वह सामने वाले से बहुत अच्छे से बात करे, सोच समझ कर बोले, क्योंकि हमारे मुंह से जो एक बार शब्द निकल जाते हैं वह वापस कभी नहीं जाते हैं। और वो कभी कभी तो ये होता है कि हम कुछ ऐसे शब्द निकाल देते हैं जो व्यक्ति को अंदर तक घाव कर जाते हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं, उदाहरण दिया है कि चाहे दूध फट गया हो उसको तुम कितना भी कोशिश कर लो तो उसमें से मक्खन नहीं आएगा। उसी प्रकार यदि कोई हमारा अजीज है, कोई हमारा सज्जन पुरुष है, कोई हमारा मित्र है, यदि हमने उसको ऐसी बात कह दी है कि उसका दिल टूट गया है या उसको बुरी लग गई है, तो वह बात एक बार निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं होती है, चाहे तुम लाख प्रयास क्यों ना ही कर लो। कहते हैं कि एक बार जब मुझसे शब्द निकल जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं होते, वो कोई ना कोई घाव जरूर छोड़ कर जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें इंसान को गलत वाक्य नहीं बोलने चाहिए। रही मन ओछे नरनते छाड़ बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के दोहू भात विपरीत। यहाँ पर नहीं रहीमदास जी कहते हैं ओछे नरनते, जो ओछे यानी कि जो तुच्छ लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी प्रवृत्ति ही तुच्छ लोगों की तरह होती है। छाड़ बैर अरुपीत, हमें उनसे ना तो बैर करना है ना ही उनसे प्रीत करनी है, क्योंकि ओछे व्यक्ति से बैर और प्रीत रखना दोनों ही घातक होते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, वह दिखाता कुछ और है लेकिन समय आने पर वह क्या करता है, हमें कोई ना कोई घाव अवश्य देकर जाएगा। काटे चाटे स्वान के, किस प्रकार कि जो ओछा व्यक्ति होता है उसकी प्रवृत्ति कुत्ते के समान होती है कि चाहे कुत्ता काटे या चाटे दोनों में ही वह हमें घाव ही देगा, क्योंकि कुत्ते के काटने से भी क्या होता है, घाव हो जाता है, और कुत्ता कंटिन्यूस किसी चीज़ को चाटता रहे तो उससे भी घाव हो जाता है। इसलिए दोनों ही कंडीशंस में जो ओछे व्यक्ति होते हैं, जो ओछा मनुष्य है, उससे हमें दूर ही रहना चाहिए, ना तो उससे प्रेम करना है ना ही उससे वैर करना है। ठीक है बच्चों, अगला दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। विद्या धन, विद्या रूपी जो धन है, उद्यम बिना जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं क्या हमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता। कहो जो पावे कौन, किसको मिला है उद्यम के बिना धन, किसी को नहीं मिला है, ठीक है, ना विद्या मिलती है ना ही हमें धन मिलता है। यदि आप पढ़ोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप आगे बढ़ सकते हो, और जब तक आप कोई कार्य नहीं करोगे तो आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज़ है कि व्यक्ति को उद्यम करना चाहिए। यदि आप बच्चों आप पढ़ोगे तो ही आपको ज्ञान मिलेगा, तो ही आप परीक्षा में कुछ लिख पाओगे, ठीक है, आप कोई कार्य करोगे और मेहनत करोगे तो ही आपको धन मिलेगा जीवन यापन के लिए। तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। किस प्रकार, क्या उदाहरण दिया है कि आप जब तक पंखे को नहीं हिलाओगे क्या उसकी हवा आपको लगेगी, कभी नहीं लगेगी, क्योंकि पंखे की हवा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हिलाना डुलाना पड़ेगा तभी वह पंखा हवा देगा। उसी प्रकार रहीमदास जी ने कहा है कि जब तक व्यक्ति उद्यम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उसे ना तो विद्या मिलेगी ना ही उसे धन मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखा आपने कि छोटे छोटे दोहों से हमने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। अब आपकी पुस्तक में क्या शब्दार्थ दे रखे इनको हम देख लेते हैं। पहला है क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है क्षमा। फिर है उत्पात यानी कि उपद्रव यानी कि शरारत करना। बापुरो गरीब, जोग जोड़िया मेल, सर्वर सरोवर या तालाब, परकाज दूसरों के काम, संचही इकट्ठी करना, चून का मतलब होता है आटा, विपत्ति मुसीबत, मीत मित्र, बिगड़ी यानी कि बिगड़ी, माखन मक्खन, उद्यम प्रयत्न या कोई काम करना, पौन यानी कि पवन या हवा। फिर वह बड़न, बड़न यानी कि बड़े, हित का मतलब होता है भलाई, मिताई यानी कि मित्रता, तरोवर यानी कि वृक्ष या पेड़, पान पानी, संपत्ति का अर्थ है धन या दौलत, सून का मतलब होता है सूना, बहुरीत अनेक प्रकार, साचे सच्चे, सुजन सज्जन, मथे मथना या बिलोना, स्वान कुत्ता, डुलाए यानी कि हिलाए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके शब्दार्थ थे। आपका जो ये पाठ है रहीमदास जी के दोहे यहीं समाप्त हो जाता है, और मैं आशा करती हूँ कि इन दोहों से आपने काफ़ी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करी होगी।
तो आपका जो वर्क है वो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के जरिए आएगा, तो आपको उसको सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में लिखना है, साथ के साथ इस वर्क को याद भी करना है। धन्यवाद।